नमस्ते। हिंदी विषय में आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन शब्द का एक या अनेक होने का भाव वचन दर्शाता है। हिंदी भाषा में एक के लिए एकवचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। विकारी शब्दों के संख्या बोधक रूप को वचन कहते हैं। तो आपने देखा वचन की परिभाषा, विकारी शब्दों के संख्या बोधक रूप को वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक या संख्या में एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला, माला, लड़का आदि। दूसरा बहुवचन, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, मालाएं, लड़के आदि। कुछ शब्द एक ही वचन में रहते हैं, वो शब्द हैं माता, दादा। ये सदैव एक वचन में ही बोले जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही बोले जाते हैं, जैसे आंसू, बाल, प्राण आदि। धन्यवाद।